नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच में डॉक्टर राजीव शर्मा हैं, रिनाउंड साइकेट्रिस्ट। आज हम उनसे कुछ इस बारे में जानना चाहेंगे कि पेशेंट साइकेट्रिस्ट के पास जाने में क्यों हेजिटेट करते हैं। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को साइकेट्रिस्ट के पास रेफ़र किया, बट उसमें से 50% पेशेंट साइकेट्रिस्ट के पास नहीं गए बिकॉज दे हैव सम स्टिग्मा इन देयर माइंड कि साइकेट्रिस्ट के पास जाने से दे विल बी लेबल्ड एज साइकोटिक पेशेंट्स और मेंटल पेशेंट्स। तो मैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर राजीव शर्मा से पूछना चाहूँगा कि ऐसा पेशेंट्स के अंदर माइंड में क्यों आ जाता है कि साइकेट्रिस्ट के पास वो जाएंगे तो दे विल बी लेबल्ड एज अ मेंटल पेशेंट और उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो सोसाइटी में भी वो दिखाने में शर्म करते हैं। आप अपना व्यू बताएं सर। हाँ, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएंगे तो धौंस से बताएंगे मैंने उसको दिखाया, बट एक साइकेट्रिस्ट के बारे में वो ऐसा नहीं कहेंगे। आई विल टेक बैक टू द हिस्ट्री। ओके सर। जब मैं MBBS में था फाइनल ईयर में, तब मैं काफ़ी अच्छी बातें कर लेता था और लोगों को अच्छे से जज भी कर लेता था। तो मेरे दोस्त मुझे मजाक किया करते थे कि तू ना साइकेट्रिस्ट बन जा, बहुत अच्छा बनेगा। तो मैं खुद भी नाराज़ हो जाता था कि तुम्हारी ऐसी हिम्मत, मैं क्यों बनूँ साइकेट्रिस्ट। और इंसिडेंटली मैंने MBBS की, फिर मैंने जॉब की, फिर उसके बाद जब ब्रांच चूज़ करने की बात आई तो मुझे हमेशा से एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने का शौक था, या अवेयरनेस जनरेशन या स्पीकिंग का मुझे बहुत शौक है। तो मुझे लगा कि साइकेट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसको मुझे चूज़ करना चाहिए, और मैंने उसको चूज़ किया भी और लिया भी, और मैं बहुत शौक से साइकेट्रिस्ट बना और मुझे आज भी बहुत खुशी है कि मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। बट तब भी बड़े इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुए थे, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैरिड था तो मेरी वाइफ को थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि साइकेट्री करने की क्या ज़रूरत है, कुछ और कर लीजिए। मेरे ने तो यहाँ तक कहा कि बेटा पीडियाट्रिशियन बन जाओ, कम से कम बोलने में तो अच्छा लगेगा, नहीं तो क्या बोलेंगे कि पागलों का डॉक्टर बन रहा है। मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ कुछ कह तो नहीं पाए, बट दे वर ऑल्सो नॉट हैप्पी। मेरे एक दोस्त ने तो यहाँ तक भी कहा कि कोयले की दलाली में हाथ तो काले हो ही जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बातें अब ख़त्म हो गई। मेरे जो पेशेंट खुद ठीक हो जाते हैं वो भी मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, आप सारा दिन ऐसे मरीज़ देखते हैं, आप पे फ़र्क नहीं पड़ता? या उम्र के साथ ऐसा तो नहीं होता कि साइकेट्रिस्ट में भी फ़र्क पड़ जाता है? तो दोस्तों, ये सवाल बहुत वैलिड है, इसका एक सरल आंसर देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बात क्या होती है, जो दिमाग है वो हमारी पूरी बॉडी को चलाता है। तो जब हम ये कहते हैं कि हमारे शरीर का कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा, दिल काम नहीं कर रहा, फेफड़ा काम नहीं कर रहा, लिवर काम नहीं कर रहा, तो उसमें हमारी इज्जत दांव पे नहीं लगती। जब बोलते हैं कि हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि शायद क्या मैं पागल हूँ, पहला विचार जो मन में आता है। जबकि एक्चुअली पागलपन से साइकोसिस, जो आपने वर्ड यूज़ किया था, उसमें स्किजोफ्रेनिया, डिल्यूजनल डिसऑर्डर, शक करना, कानों में आवाज़ें आना, एक्चुअली उस तरह से बिहेव करना जिसको मानसिक असंतुलन कहेंगे, या लेमन भाषा में बोलेंगे कि ये पागल हो गया है, वो तो हार्डली 2 से 5% पेशेंट होते हैं। 90 to 95% पेशेंट्स तो यही होते हैं, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम जैसे हस्बैंड एंड वाइफ की है, एंग्जाइटी है, कई लोग प्रमोट हो जाते हैं, उसके बाद अपनी टीम्स को नहीं संभाल पाते क्योंकि इतना एक्सपोजर नहीं होता स्टेज का। और उसके बाद खासकर ये प्रॉब्लम बच्चों में तो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है कि अगर किसी डॉक्टर ने किसी बच्चे को कह दिया कि आप किसी साइकेट्रिस्ट को दिखा लीजिए, तो हो सकता है वो डॉक्टर ही बदल ले बजाय साइकेट्रिस्ट को दिखाने के। तो कई बार ये बोलना पड़ता है कि प्रोफेशनल हेल्प ले लीजिए या राय ले लीजिए। एक दो फिजिशियन मेरे फ्रेंड्स ऐसे भी हैं, वो बोलते हैं कि ये तो मेरा दोस्त है, एक बार दिखाया हो, तो उनको बाद में रियलाइज़ होता है कि उन्होंने साइकेट्रिस्ट के पास भेजा। 10 साल में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है पहले के मुकाबले, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, खासकर जो नई जनरेशन है 20 से 25 साल वाली, स्मार्टफोन्स वाली, उनमें इतना इशू नहीं आता है। वेबसाइट्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, टीवीज़ हैं, सेलिब्रिटीज़, आप देखेंगे जो फॉरेन की सेलिब्रिटीज़ हैं वो खुल के इस बारे में बात करते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी, एडिक्शन हुआ था, मैं रिहैब गया, ये गया। आपको क्या लगता है हमारी सेलिब्रिटीज़ में ऐसा नहीं होता होगा? लेकिन वो भी छुपाते हैं, वो भी छुपाते वो भी छुपाते हैं प्रॉब्लम्स। तो हमारी सेलिब्रिटीज़ में भी आती, कभी कभार में आता है कि फलाने ने सुसाइड करने की कोशिश की या उसने सुसाइड कर लिया, तो एक्चुअली वो क्या है, डिप्रेशन है जो ठीक हो जाता है। जैसे जुकाम होता है वैसे ही डिप्रेशन होता है, वैसे ही मेनिया होता है, वैसे ही घबराहट होती है। अवेयरनेस और जानकारी की कमी, जैसे हमारा ये प्रोग्राम है वी केयर वी शेयर, इसका नाम ही वी केयर वी शेयर इसलिए है बिकॉज हम लोग केयर करते हैं अपने पेशेंट्स की, इसलिए हम शेयर करना चाहते हैं। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि आपको भी शेयर करना चाहिए अगर आपको हमारी बातें रेलिवेंट लगती हैं किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि जानकारी से ही अंधकार कम होगा। एज एन MBBS हमें साइकेट्री ज़्यादा पढ़ाई नहीं जाती है, तो हमारी जानकारी होती नहीं है साइकेट्री के बारे में। हम एक वही मेंटल पिक्चर कि आगरा में एक पागल खाना है, यही यही आदमी की सोच रहती है, जबकि आजकल ऐसी दवाइयाँ हैं कि ज़्यादातर लोगों को तो एडमिशन की ज़रूरत ही नहीं होती, सिर्फ आपने खुद भी देखा होगा अपने कुछ पेशेंट्स बिल्कुल में। बिल्कुल। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की
तो मेरा अपना क्लिनिक नहीं था तो मैं घूमा करता था सभी नर्सिंग होम्स में। शायद ही कोई नर्सिंग होम वाला डॉक्टर है जिसका रिश्तेदार जानकार है, मैंने उसको खुद ना देखा हो। तो इसका मतलब साइकेट्रिक बीमारियां इतनी ज़्यादा हैं। साइकेट्रिक प्रॉब्लम डॉक्टर साहब बहुत हैं, मैं भी एक फैमिली फिजिशियन हूँ, मेरा यही कंसर्न था कि बहुत सारे पेशेंट्स, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अवेयरनेस बढ़ गई है, इवन लोग बिना किसी प्रॉब्लम के भी साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेके अपना परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहते हैं, अपना स्ट्रेस को मैनेज बिल्कुल करने के बिल्कुल लिए, लाइफस्टाइल मैनेज करने के लिए भी, अपने आप भी कंसल्टेशंस के लिए जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो वी हैव डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, जिसमें एक ग्रुप है जो अवेयर है कि साइकेट्रिस्ट की हेल्प हमें बहुत सारे मैटर्स में लेनी है, वो सिर्फ रिलेटेड नहीं है कि पेशेंट को कोई मेजर ऑर्गेनिक प्रॉब्लम हो या साइकोसिस हो तभी जाना है, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में और अदर मैट्रिमोनियल डिसहारमोनी और दूसरे प्रॉब्लम्स, मैरिटल डिसहारमोनी में भी और डिफरेंट डेली रूटीन स्ट्रेस प्रॉब्लम में। बट एट द सेम टाइम मैंने ये नोटिस किया है, जैसे पेशेंट्स आपके पास आए एंड दे हैव क्लियर कट सेट ऑफ सिम्टम्स लाइक डिप्रेशन, पेशेंट इज एग्जैक्टली फॉलिंग इन टू द कैटेगरी ऑफ डिप्रेशन डिप्रेशन और वी हैव टू स्टार्ट एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिंस, एंड उस पेशेंट्स को जब हम बोलते हैं कि यू नीड एंटी डिप्रेसेंट्स एंड यू हैव टू टेक ओपिनियन ऑफ अ साइकेट्रिस्ट, एक्चुअली हाउ डज इट अफेक्ट द पेशेंट्स माइंड कि ही हैज़ बीन रेफर्ड टू साइकेट्रिस्ट, ही इज़ अ केस ऑफ डिप्रेशन, एक्चुअली मे वर्स डाउन द प्रॉब्लम ऑफ अ पेशेंट और देखिए, ऐसा है जैसे एक कहावत होती है और सच्चाई भी है कि जब हिरण का बच्चा छोटा होता है तो वो आंखें बंद कर लेता है, जब शेर आता है तो उसके आंखें बंद करने से शेर तो उसको खा जाएगा, शेर तो गायब नहीं होगा। अगर डिप्रेशन है तो वो 6 से 13 महीने में ठीक हो जाएगा, इसमें भी डाउट नहीं है बिना किसी मेडिसिन के भी। बट हर पेशेंट में कुछ में लंबा भी चल सकता है, बट अगर वो दवाइयाँ लेगा तो ये चीज़ 3 या 4 हफ्ते में भी ठीक हो सकती है। और कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं वो साइकेट्रिस्ट नहीं साइकोलॉजिस्ट को ही दिखाना चाहते हैं वो मेडिसिन, वो मानते हैं कि उन्हें डिप्रेशन है बट उनकी ईगो हर्ट होती है अगर वो दवाई लेते हैं। अगर वो शराब पीते हैं सिगरेट पीते हैं तो उनकी ईगो हर्ट नहीं होती, लेकिन अगर वो दवाई लेते हैं तो उनकी ईगो हर्ट होती है। इवन मेरे पास भी पेशेंट आते हैं जो मेरे पेशेंट हैं ठीक भी हैं, बोलते डॉक्टर साहब दवाई कब छूटेगी, क्योंकि कुछ बीमारियाँ होती हैं उनमें साल भर दवाई चलती है, कुछ बीमारियाँ होती हैं उनमें 2 से 5 साल दवाई चलती है, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं मजबूरन हमें ये कहना ही पड़ता है कि ज़िंदगी भर दवाई चलेगी, अगर आपका मन है तो किसी और को दिखा लीजिए। क्योंकि साइकेट्रिक इलनेसेस में एक और इशू भी है, क्योंकि वो है कि ज़्यादातर बीमारियां बहुत लंबी चलती हैं, ठीक हो जाती हैं लेकिन दवाई छोड़ो फिर शुरू हो जाती हैं, कुछ सालों तक ठीक रह जाती हैं फिर छोड़ दवाई छोड़ो फिर शुरू हो जाती हैं। तो कई बार ना जब पूरी तरह से पेशेंट को रिजल्ट नहीं मिलता तो उसको लगता है शायद डॉक्टर में ही गड़बड़ है, शायद दवाइयों में ही गड़बड़ है, और उसका हक बनता है कि वो दूसरे ओपिनियन ले, तीसरे ओपिनियन ले। बट जब वो एक दो डॉक्टर्स के ओपिनियन ले और सेटिस्फाई हो जाए तब तो बढ़िया रहता है, बट कई लोग ना बहुत ज़्यादा शक्की हो जाते हैं या बहुत अपना दिमाग लगाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, वो डॉक्टर शॉपिंग शुरू कर देते हैं कि हमने 5 डॉक्टर को दिखाया, हमने इस डॉक्टर को भी दिखाया, हमने उस डॉक्टर को भी दिखाया, तब वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और वो हर ब्रांच में होती है, इवन डायबिटीज़ में भी, हाइपरटेंशन में भी कई बार ऐसा होता है कि लोग चेक कराने के लिए तैयार नहीं होते हैं। एक्जैक्टली मैं इसमें एक स्टेजेस आपको बताना चाहूँगा, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेजेज हैं। एलिजाबेथ कुबलर रॉस करके एक फीमेल थी जो साइकोलॉजिस्ट थी अमेरिका में, 1960s में उन्होंने कैंसर पेशेंट्स पे रिसर्च की। उन्होंने देखा कि जब लोगों को लगता है कि उनको कैंसर है तो वो कैसा रिएक्ट करते हैं। आज कैंसर आज भी खतरनाक बीमारी है, लेकिन इमेजिन कीजिए आज से 50 साल पहले तो कितनी खतरनाक रही होगी जब इलाज भी नहीं थे। तो उन्होंने देखा कि फर्स्ट रिएक्शन होता है डिनायल। इवन तेंदुलकर जब आउट होता है तब भी हमारा पहला रिएक्शन होता है कि शायद नो बॉल हो, शायद नो बॉल, शायद रीप्ले हो, शायद ये चेंज हो जाए। एग्जैक्टली तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि सच्चाई को, कोई भी चीज़ जो हमारी सोच से परे होती है हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते। फिर उसके बाद आता है एंगर, वाई मी, डॉक्टर की हिम्मत कैसे हुई। मैंने तो स्कूल्स में लेक्चर लिए हैं तो स्कूल टीचर्स कहती हैं कि बच्चों को लिखने पढ़ने की प्रॉब्लम है। बिल्कुल कई बार तो ऐसा होता है कि मदर समझती है कि बच्चे को प्रॉब्लम है, फादर तैयार ही नहीं होता इलाज के लिए। जब स्कूल से नोटिस आता है कि डॉक्टर साहब आप अपने बच्चे को घर ही रखिए, तो वो पहली बार आते हैं वो भी कसते कसाते गालियां देते हुए। सो दैट इज स्टेज एंगर। नेक्स्ट स्टेज होती है बार्गेनिंग। ओके तो बार्गेनिंग में क्या होता है कि डॉक्टर साहब आप मुझे ठीक कर दीजिए, जो भी कर दीजिए, मतलब कैंसर पेशेंट्स की बात हो रही है फिलहाल, कि महंगे से महंगी दवाई, महंगे से महंगी, या आप डॉक्टर साहब महंगे से महंगी दवाई दीजिए, जड़ से ख़त्म कर दीजिए। अब कुछ बीमारियां हैं वो जड़ से ख़त्म हो सकती हैं, कुछ बीमारियां तो मेडिसिन में भी हैं जो जड़ से ख़त्म नहीं हो सकती। जैसे हम भी डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का ही सहारा लेते हैं कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर में लंबी दवाइयाँ चलती हैं तो साइकेट्री में भी लंबी दवाइयाँ चलेंगी। तो वो बार्गेनिंग स्टेज होती है।
नेक्स्ट स्टेज होती है डिप्रेशन। डिप्रेशन से कहने का मतलब वो वाला डिप्रेशन नहीं जो हम क्लिनिकल डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, कि पेशेंट ने मना करके भी देख लिया फिर भी मन ठीक नहीं हो रहा, उसने भगवान से नाराज़ होके भी देख लिया फिर भी मन ठीक नहीं हो रहा, उसने तांत्रिक विद्या या कुछ और चीज़ें भी देख ली फिर भी बात नहीं बन रही, तो एक्चुअली ही बिकम डिप्रेस या दुखी। नॉट डिप्रेशन वाला दुखी, बट वो दुखी कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। लास्ट स्टेज जो होती है वो होती है एक्सेप्टेंस। और ज़िंदगी में ये देखा गया है कि जो भी लोग एक्सेप्ट नहीं करते लाइफ में किसी भी चीज़ को, अपने पार्टनर को, अपनी हाइट को, अपनी लाइफ को, वो कभी खुश नहीं रहते। सबसे इमेच्योर लोग वो होते हैं जो हमेशा डिनायल में रहते हैं, ओके सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल सही और बात। सबसे मेच्योर लोग वो होते हैं जो उसको उसी तरह से एक्सेप्ट करते हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा ये जो गाने बनते हैं ना मेरे रंग में रंगने वाली है, बिल्कुल बेकार गाने हैं। किसी क्यों अच्छा रंगने की जरूरत है आपको किसी के रंग में? सही बात प्यार तो वो है आपको वैसा ही एक्सेप्ट किया जाए जैसे आप हैं। जैसे बिल्कुल पेरेंटिंग के लेक्चर में मेरा फेवरेट डायलॉग होता है कि अगर आपका बच्चा फर्स्ट आता है और वो आपको बताना चाहता है तो यार गुड पेरेंट, बट अगर वो फेल होता है और सबसे पहले आपसे शेयर करना चाहता है इसका मतलब यू आर ए ग्रेट पेरेंट, बिकॉज आपका जो प्यार है वो कंडीशनल नहीं है, आप उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं। आप बच्चे को बोलते हैं कि तू मेरा ही बच्चा है, चाहे तू फर्स्ट आए चाहे तू ना आए। तो इसी तरह अगर कोई बीमारी हुई है, जैसे हमने शुरू में पिछले एक वीडियो में बात की थी डायबिटीज़ की, हाँ जी सर, तो हम बीमारी को सिर्फ बीमारी समझे, हम ये ना समझे कि बीमारी हम है, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल कि डिप्रेशन मुझे हुआ है मैं डिप्रेशन नहीं हूँ। बिल्कुल। तो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं और हम वीडियोस बना रहे हैं तो हम ये इसीलिए बना रहे हैं कि लोगों के बैरियर्स को हम ओवरकम कर ओवरकम सकें। कर तो सकें। इस बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए डॉक्टर साहब एक चीज़ ये बताइए कि कुछ हम जैसे रेगुलर मेडिकल चेकअप करते हैं जिसमें हम पेशेंट के बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जैसे लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस हो गए, ECG हो गया, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड हो गए, उसमें समटाइम्स वी सीक ओपिनियन ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट। तो आप ये सोचते हैं कि आज की डेट में साइकेट्रिस्ट इवेल्यूएशन या साइकोलॉजिकल इवेल्यूएशन ऑफ पेशेंट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट नो टू नॉट फॉर एवरीबडी, नॉट फॉर नॉट नॉट एवरीबडी? नॉट एट ऑल। मैं इसको ऐसे आंसर करूंगा और डिस्कशन को भी यहीं ख़त्म करेंगे कि हर किसी को साइकेट्रिस्ट को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ओके नहीं है। ओके कई बार पेशेंट इंप्रेस होकर ये भी बोलते हैं कि आजकल तो डॉक्टर साहब की ज़रूरत सबको है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट। क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो रही है किसी भी लक्षण से, ओके चाहे वो स्किजोफ्रेनिया हो, मेनिया हो, डिप्रेशन हो, तो हमें साइकेट्रिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। प्राइमरीली ही शुड गो टू हिज प्राइमरी फिजिशियन। प्राइमरली ही गोज टू हिज फिजिशियन एंड फिजिशियंस आर सेंसिटाइज इनफ टू अंडरस्टैंड कि वेदर ही रिक्वायर्स ए साइकेट्रिक इवेल्युएशन और नॉट। सो थैंक यू ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर वंडरफुल प्रेजेंटेशन, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू।